सब्सक्राइब करें अपेक्स डिजिटल टेक्निकल और बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिले। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल अपेक्स डिजिटल टेक में। गाइस, आप लोगों के डिमांड पे मैं आज का जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। लो आ गया मिनी स्टेटमेंट ICICI बैंक के साथ APS करें फुल प्रोसेस। CSP ID के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। लो आ गया सभी बैंकों का APS। जी हाँ दोस्तों, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ID के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सभी बैंकों का मिनी स्टेटमेंट आप कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है एक्सप्रेसो पोर्टल जो है अपना लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए रोनेट एक्सप्रेसो पोर्टल में अपना लॉगिन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं अपेक्स डिजिटल टेक। जी हाँ दोस्तों, ओनली टेक्निकल वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है इस चैनल पे। बिजनेस से रिलेटेड टिप्स, अर्निंग से रिलेटेड जो यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को कंटिन्यू, तभी जो है आप पूरी प्रोसेस आप समझ पाएंगे। अगर आप स्किप करते हैं तो आप पूरी प्रोसेस समझ नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है एक्सप्रेसो पोर्टल यहाँ पे लॉगिन, मेरा ID पासवर्ड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है। और यहाँ पे जो है कैप्चा डाल लेता हूँ फटाफट। देन यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मंत्रा डिवाइस जो है मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे जो है इंसर्ट किया और वहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे मंत्रा डिवाइस रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है रोनेट एक्सप्रेसो पोर्टल। यहाँ पे रोनेट आपके लिए लाए हैं मिनी स्टेटमेंट की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, खुशखबरी है कि यहाँ पे जो है मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं सभी बैंकों का। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है आप मिनी स्टेटमेंट निकालना है। सबसे पहले सर्विसेज में जाएंगे और ICICI APS जो है ओपन करेंगे। तो आइए अपना जो है सर्विसेज में मैं अपना ओपन कर लेता हूँ ICICI का APS। तो गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को जो है स्किप ना करें, कंटिन्यू वीडियो देखें, क्योंकि जो ये जो वीडियो है मुश्किल से जो है 8 मिनट का वीडियो है, तो इसको जो आप स्किप ना करें। तो आइए जो है सर्विसेज में अपना मैं एक्सप्रेसो पोर्टल के अंदर जो ICICI जो है APS है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है पोर्टल ओपन हो चुका है। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप मिनी स्टेटमेंट जो पहले नहीं था, अभी जो है कल ही जो है, यानी कि जो कल डेट था 29 अप्रैल, यानी 29 अप्रैल को जो है यहाँ पे जो है लॉन्च कर दिया गया ICICI बैंक के द्वारा, और यहाँ पे जो है लाइव हो चुका था कल ही। तो आइए मैं आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है सबसे पहले बैंक को सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक से आपने जो है मिनी स्टेटमेंट करना है। तो मुझे जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जो है मिनी स्टेटमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। CSP ID रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7009619073। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। और गाइस ध्यान रहे कि जिनको ID चाहिए वही कॉल करें, व्हाट्सअप करें, फालतू का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि समय जो है कीमती होता है। समय का जो सही दुरुपयोग नहीं करता है उसका जो है कुछ नहीं होता है। तो गाइस जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक ट्रांजेक्शन करके। यहाँ पे मैं सबसे पहले बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देन मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ। गाइस हम आपको बता दें कि जिन लोगों का भी जो भी कस्टमर का आप ट्रांजेक्शन करते हैं उनका मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, ताकि जो भी आप जो है उनका लेन देन आप यहाँ पे अपने पास सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फ्यूचर में जो है भविष्य में अगर आप उनका डिटेल निकालना चाहें तो मोबाइल नंबर के द्वारा आप निकाल सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। तो आपको जो है अच्छा होगा कि आपका कस्टमर का मोबाइल डालें, अपना मोबाइल ना डालें। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया और यहाँ पे जो है यहाँ पे नाम डालना होता है कस्टमर का, जो कस्टमर आधार कार्ड से द्वारा विड्रॉल कर रहा है तो उनका नाम डालना भी अनिवार्य है। देन यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे फिंगर को जो है स्कैन करेंगे, जो भी डिवाइस आपके पास होगा उसको कनेक्ट करके। डिवाइस से रिलेटेड अगर किसी को क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हेल्प डेस्क पे जाकर के कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसका जो मैंने वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में पहले ही बना दिया था। तो आइए यहाँ पे मैंने जो है स्कैन किया, बट यहाँ पे आधार नंबर जो था रॉन्ग था, तो हुआ नहीं। दोबारा से आधार नंबर में डाल लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा से स्कैन करके यहाँ पे ओके करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रोसेस हो रहा है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल जो यहाँ पे जो है मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल
और यहाँ पे जो है मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे आपके सामने जो है स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि मिनी स्टेटमेंट आने वाला है। तो गाइज़ ये जो कंपनी जो है रोनेट एक्सप्रेसो जो है काफ़ी अच्छा जो है ग्रो कर रही है, इसमें जो है दिन प्रतिदिन फीचर ऐड हो रहे हैं। और इसको हम आपको बता दें कि इसको जो है प्रिंट करके भी आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो इस तरह से जो है डेस्कटॉप सेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। तो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो भी बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। तो गाइज़ आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाया आपको पसंद आया होगा। तो इसको जो है आप शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे, ताकि जो भी आपके रिटेलर भाई हैं और जो भी बिजनेस से रिलेटेड रोनेट एक्सप्रेसो से रिलेटेड जो पोर्टल यूज़ कर रहे हैं उनको जो है जानकारी मिल जाए कि जो है यहाँ पे लाइव हो चुका है। और जो लेना चाहते हैं पोर्टल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है एक्सप्रेसो पोर्टल जो रोनेट एक्सप्रेसो पोर्टल है, इसमें जो है दो बैंकों के साथ जो APS आप कर सकते हैं, पहला यस बैंक और दूसरा ICICI बैंक। गाइज दो बैंकों के साथ APS करना यानी कि जो है बहुत ही संभावना बढ़ जाता है यहाँ पे कि दो बैंकों के साथ जो है एक ही पोर्टल में दो APS आपको बैंक का यहाँ पे रोनेट एक्सप्रेसो पोर्टल दिला रही है। तो गाइज मैं बता दूँ आपको, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज पैसा नहीं लगता है। अगर आप सब्सक्राइब करते लाइक करते तो हमें जो है खुशी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अच्छे से यहाँ पे जो है अच्छे टॉपिक्स पे यहाँ पे वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आज का जो वीडियो है गाइस मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।